नेता ये सभी बच्चे का जब यंग बच्चे थे जब टीनेज थे इससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए उन्होंने क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं कंपोजर होते हैं म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं क्रिएट करते हैं। आज भी उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूजिक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना जिसमें बुरे से बुरा आदमी भी रखता है डांस करता है उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे नहीं वो मेलोडी किंग थे मेलोडी मेकर थे म्यूजिक क्रिएटर थे। बप्पी दा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है ये एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा ये क्या करके आप बोलते हैं क्या बोला आपने कभी अलविदा ना कहना और चले गए क्या मतलब इस अलविदे का हमको समझ में नहीं आ रहा है। वी आर वेरी शॉक मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार भगवान उनकी आत्मा।